2022 श्रावणी मेले की तैयारी में जुट गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले से जुड़े विभिन्न विभागों ने राज्य सरकार से तकरीबन 68 करोड़ 36 लाख का आवंटन की मांग की है। किस मद में कितनी राशि की आवश्यकता होगी इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। आधारभूत संरचना मजबूत करने के उद्देश्य से पीडब्ल्यूडी ने सबसे अधिक 56 करोड़ का आवंटन मांगा है। वहीं जिला प्रशासन ने आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने का काम शुरू भी कर दिया है। कोरोना काल में 2 साल से मेला नहीं लगा, इसलिए इस बार श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसा कि पता चला है कि इस बार 2 सालों के बाद श्रावणी मेला का आयोजन होना है। श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या दुगनी संख्या बढ़ने की उम्मीद है और हम लोग तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये जो सरकार के द्वारा स्वीकृत योजना आई है, लगभग 32 योजना आई है, जिसमें से 25 योजनाओं का स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। उसको टेंडर में डाल दिए हैं, टेंडर में चला गया है और 2-4 दिन के अंदर जो है टेंडर की प्रक्रिया को अति आपातकालीन टेंडर में डाले हैं। आदेश लेकर के 2-4 दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरा हो जाएगी, तब क्रियान्वयन कार्य में शुरू लगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।